व्हाट्स योर नेम? आराध्या किरण रुनवाल। ओके, आपका? नेत्रा किरण रुनवाल। कहाँ से आते हो आप? बदनापुर। ओके, सो आराध्या एंड नेत्रा, आई विल आस्क यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर डेली रूटीन। ओके, सम क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सो जैसे कि आपको ट्रांसलेट करना है, व्हाट कैन आई प्ले में मराठी में? मी काय खेळू शकतो? व्हाट कैन ही प्ले? तो काय खेळू शकतो? व्हाट कैन शी प्ले? ते काय खेळू शकतो? व्हाट कैन दे प्ले? ते काय खेळू शकतो? हू कैन प्ले? कोण खेळू शकतो? व्हाट टाइम कैन आई प्ले? मी कोणत्या वेळी खेळू शकतो? व्हाट टाइम कैन शी प्ले? ती कोणत्या वेळी खेळू शकते? वेअर कैन आई प्ले? मी कोठे खेळू शकतो? कैन शी प्ले? ती कोठे खेळू शकते? वेअर कैन शी प्ले? ती कुठे खेळू शकते? ती कुठे खेळू शकते? व्हाय कैन आई प्ले? मी काय खेळू शकतो? व्हाय कैन शी प्ले? ती का खेळू शकते? विथ हुम? विथ हुम कैन आई प्ले? मी कोणासोबत खेळू शकतो? विथ हुम कैन शी प्ले? ते कोणासोबत खेळू? विथ हुम कैन दे प्ले? ते कोणासोबत खेळू शकतो? ओके, अभी मैं आपको स्क्वेअर और क्यूब, आई विल आस्क यू स्क्वेअर अँड क्यूब। ओके, सो स्क्वेअर 14 का बताओ? 196। करेक्ट है। 13 का बताओ? 13 का 169। करेक्ट। आप बताओ क्यूब? 12 का क्यूब बताओ? 144। नो, क्यूब क्यूब पूछा मैंने आपको। 1728। करेक्ट है। 14 का बताओ? 14 का 2744। 2744 करेक्ट। 16 का बताओ आप? 4096। करेक्ट है। आप बताओ 15 का बताओ, स्क्वेयर बताओ? स्क्वेयर 225। 225। 10 का बताओ आप? क्यूब क्यूब 1000। और स्क्वेयर 100। करेक्ट है। अभी ग्रामर इम्पोर्टेंट लगता है आपको? यस सर। ओके, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन से ग्रामर में? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आप वही मराठी? नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, शब्द, अव्यय, उभयन्वय, केवल प्रयोग। ओके, करेक्ट है। अभी आप बताओ नेत्रा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल? क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसे एक चीज रहती है उसको सिंगुलर बोलते और अनेक चीज रहती है उसको प्लूरल। एक एग्जांपल, एग्जांपल। एक गर्ल लेती है उसको बोलते सिंगुलर और बहुत सारी गर्ल लेती तो प्लूरल बोलते। ओके, मतलब उसको यदि यस लगता है तो प्लूरल होगा मैक्सिमम टाइम, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स है। ठीक है, सो आपको बिग फ्रेंड के और स्मॉल फ्रेंड के कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले आते हैं? यस सर। एक लेवल के आते हैं, दोनों लेवल के आते हैं? दोनों सर। दोनों को भी आते हैं। आप बताओ नेत्रा, सेकंड लेवल का बिग फ्रेंड का एट 20 का फॉर्मूला? एट 20 इज इक्वल टू लेस 80 एट 100। करेक्ट है। आप बताओ आराध्या, लेस 40 का बिग फ्रेंड का, बिग फ्रेंड का सेकंड लेवल का लेस 40 इज इक्वल टू लेस 100 एट 60। करेक्ट है। सब्स्ट्रैक्शन का बताओ आप, लेस 40 का स्मॉल फ्रेंड का सेकंड लेवल का? लेस 40 इज इक्वल टू लेस 50 एट 10। करेक्ट है। एडिशन का बताओ आप, एट 10 का सेकंड लेवल का स्मॉल फ्रेंड का? एट 10 इज इक्वल टू एट 50 लेस 40। फर्स्ट लेवल का बिग फ्रेंड का लेस 4 का आप बताओ? लेस 4 इज इक्वल टू लेस 10 एट 6। स्मॉल फ्रेंड का फर्स्ट लेवल का लेस 1 का आप बताओ? लेस 1 इक्वल टू लेस 5 एट 4। एट 4 करेक्ट बताया आपने। ठीक है, सो डेली जो मॉर्निंग की एक्टिविटी होती है, मतलब डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो क्या डेली रूटीन की? यस बताओ। यस, वेकअप मीन्स आपण पहिले झोपेतून उठणं आणि त्याच्या आपण मॉर्निंगमध्ये उठतो त्याला म्हणते सकाळी, मग आपण दात घासतो त्याला म्हणतो ब्रश, तर तीच आपण आंघोळ करतो ते कबात, मग आपण प्रेयर टू गॉड म्हणजे देवाला प्रार्थना करतो, मग नाश्ता करतो म्हणजे तिला म्हणतो ब्रेकफास्ट, मग आपण न्यूजपेपर पडतो तिला म्हणतो वर्तमानपत्र, मग आपण काय करतो शाळेला जातो म्हणजे तिथं चॅट करायला, शाळेला चॅट करतो त्याला म्हणतात गप्पा मारायला। ठीक आहे, सो आता मी तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन्स विचारतो। ठीक आहे, ओके सर। आपका डिवाइस का आप है? सर ठीक है, रिफ्रेश कर दो, माइक रख दो, आप करो अभी कैलकुलेशन। 500, 200, 5050, लेस 300, ऐड 5, ऐड 3, ऐड 1, और आंसर बताओ आप कितना है? सर 459। करेक्ट है। नेत्रा आपका नहीं आया आंसर, क्या आया? करेक्ट है सर। नेक्स्ट 25, 10, 10, 500, 300, लेस 200,
हाँ आप बताओ नेत्रा. 645 करेक्ट आंसर है. 645. नेक्स्ट 10, 20, 30, 5. अब बताओ आंसर. 65 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 800, 100, लेस 300, लेस 100, एड 5050, एड 3, एड 2. आंसर बताओ. करेक्ट आंसर.